हैंड बैग चेक, सैडल बैग्स चेक, ऑल गियर्स चेक, हेलमेट चेक. आशीष भाई ऑलवेज चेक चेक. सो राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गोवा. और गाइस आई एम विद आशीष भैया. अब आशीष भैया से हमारी बात बहुत टाइम से चल रही थी और हम कोलैब भी करने वाले थे, बट हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अभी एक ट्रिप मार ही देते हैं गोवा के लिए. सो हाय, हम लोग का फर्स्ट टाइम है दोनों जन का मोटर व्लॉगिंग का, एंड हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं गोवा ऑन बाइक. Yes. And it's really gonna be fun because हमने ड्रोन कैरी किया है, कैमरा कैरी किया है. मतलब अभी जो व्लॉग्स आने वाले हैं ना गाइस, एकदम मतलब धमाके वाले व्लॉग्स आने वाले. सो राइट नाउ इट इज 4 AM इन द मॉर्निंग. अरे आशीष भाई क्या कर रहे हो? अरे मच्छर बहुत है यार इधर. सो आवर मेन गोल टू रीच गोवा एट शार्प 5 PM इन द इवनिंग. और आशीष भाई आप क्या शॉर्ट्स पे आ रहे हो क्या अभी से? तो गोवा वाले बीच पे निकल रहे गोवा भाई. मतलब ये अभी से मतलब गोवा में आ गए ऐसा है रहे, बट कुछ तो पहन लो नीचे वरना वाट लग जाएगी. नहीं, अभी नहीं, जो पहनूंगा गोवा में पहनूंगा. चलो ठीक है, अभी विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स एग्जीक्यूट दिस साइड. और हाँ हाँ, सॉरी सॉरी गाइस, मल्हार बताना ही भूल गया आपको. सो दिस इज हाउ माय मल्हार इज लुकिंग, एकदम फुली लोडेड. हाँ, द बीस्ट फुली लोडेड विथ सैडल बैग, टैंक बैग, एंड यस नो डाउट. अरे पर बैठेगा कैसे? क्या बैठेगा कैसे? बैठेगा. हाँ, एक काम कीजिए, आप पहले बैठ जाइए. ठीक है, ऑलराइट. कॉकपिट पे आ गए हैं हम, और गणपति बप्पा मोरिया और दत्ता गुरु जी का भी आशीर्वाद ले लिया है. और गाइस अभी मुझे सिर्फ आपको इतना ही बताना था कि मैंने अब तक सैडल बैग्स इतना ओवरलोडेड और पीछे भी 70 किलो का आदमी बैठा है. तो इतना वेट लेके मैंने अभी ड्यूक चला ही नहीं है. सो नाउ लेट्स सी कि अभी मेरे को कैसा फील होगा. ऑनेस्टली सेइंग गाइस, मुझे ऐसा लग रहा ही नहीं है कि पीछे 200 किलो का वेट है मेरे. ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम सिंगल ही गाड़ी चला रहा हूँ. सो या दैट्स द पावर ऑफ आवर ड्यूक 390. और वैसे भी कल रात को मैंने मेरे चेन टाइट कराई थी, चेन लूबिंग कराया था, पूरा गाड़ी का काम करके निकल रहा है वीडियो. अभी सुबह के बज रहे हैं 4:57 एंड आवर एक्सपेक्टेड अराइवल टाइमिंग है 5 PM इवनिंग. लेट्स सी कि क्या होगा. एंड आज का जो क्लाइमेट है एकदम ऑसम है, बस बारिश ना हो आगे. अगर बारिश हो गई तो ठीक है यार, बारिश के सीज़न में निकल रहे तो ऑब्वियसली बारिश तो होनी ही है. इट इज 6 AM इन द मॉर्निंग एंड अभी हमारा फर्स्ट हो गया है चाय ब्रेक. और आशीष भाई की बम की लग चुकी है वाट. बहुत ही दुख रहा है. सो विद इन 45 मिनट्स हम लोग ने पनवेल क्रॉस कर दिया है, और अभी थोड़ी 10-15 मिनट में लोनावला लगेगा. सो टिल नाउ जर्नी इज गोइंग प्रीटी ऑसम. सो राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग लोनावला, और जैसे कि आप देख सकते हो कि कोहरा ही कोहरा है. सो यूजुअली लोनावला आने के लिए मुझे 2.5 आवर लग जाते हैं, बट आज मैं 1.5 आवर में आ गया. ये क्या है? नहीं नहीं, ये क्या है? अब मैं कैसे समझू कि आगे राइट मार रहा है कि लेफ्ट? चमा आईला कुछ भी नहीं दिख रहा है. ये बाइक वाला कहाँ से आया? ये लोग कहाँ से आ रहे? बट मजा आ रहा है बिडू. हाँ भाई 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 लैंड. नाउ वी आर एट पुणे गाइस, एंड वी आर हैविंग अवर ब्रेकफास्ट. और ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे बताए? ये एनर्जी बार. राइड में ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्किप होता है. अगर हमने लंच डिनर किया तो हमको फटीक है, फिर टायर्डनेस आएगा और हाँ हाँ पेट भी गड़बड़ होगा. पेट भी गड़बड़ होगा. इसके लिए सुविधा नहीं है, दुविधा ही होगी. दुविधा अरे सुविधा इसका करो, दुविधा गोवा में करो. क्योंकि यहाँ पे अभी टॉयलेट लगा के घूम नहीं सकते, आधा तो घर हो गया यहाँ पर. बाकी आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कंटिन्यू 100 किलोमीटर बाइक चलाई है. सो मल्हार की बात ही कुछ और है. बट गाइस ये जो अभी मैंने यहाँ पे ये कॉफी जो पी है ना, मतलब चुम्मा. तो गाइस अभी एक बहुत बड़ा सीन हो गया जब मैंने मेरे बाइक को 140 तक टच किया, और जब मैंने स्पीड डिक्लाइन कर दी, और तब मम्मी का फोन आ गया. मतलब क्या मम्मी, तुम क्या मेरे पर नजर रख रही हो क्या कि मैं कितनी स्पीड रख रहा हूँ? Anyways, Indian moms and Indian roads are awesome. फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में नहीं थे.
तो गाइस अभी आए हैं हम लोग फ्यूल भराने के लिए, क्योंकि डोंबिवली से सातारा तक मेरी गाड़ी फुल टैंक तक चली, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर फुल टैंक पे चली है। एंड यस, मतलब अच्छा माइलेज दे रही है गाड़ी अपने को। इस 12 PM इन द आफ्टरनून एंड वी कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर। नहीं 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 नहीं, घर से 5000 किलोमीटर नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट मतलब ड्यूक जब से लिए मैंने तब से 5000 किलोमीटर हो गए हैं। और बस कुछ नहीं यार, मज़ा आ रहा है। थोड़ा सैडलिंग करते करते बाइक चला रहा, क्योंकि मेरे पिछवाड़े की लिटरली बैंड बज चुकी है, पिछले एक घंटे से कंटिन्यू राइड हो रही है। एंड आई एम हैविंग माय कोल्हापुरी बटर चिकन थाली, बिकॉज राइट नाउ आई एम एट, सॉरी वी आर एट कोल्हापुर, सो ओनली 193 किलोमीटर लेफ्ट टू रीच गोवा। नाउ लेट्स सी हाउ मच टाइम विल इट टेक। मुझे लग रहा है कि 5 बज जाएंगे। मुझे बहुत टाइम से पांडरा तांबड़ा रसा ये ट्राई करना था, सो आज मैं ट्राई कर। और यहाँ पे बहुत नॉइज है, बहुत ही नॉइज है। चलो अपन भी चिल्लाते, अरे आशीष भाई। घंटे का मैंने और आशीष भाई ने भी नैप ले लिया है, और खाना तो पूछो ही मत यार, एकदम ऑसम था। वी आर क्रॉसिंग महाराष्ट्र एंड एंटरिंग इन कर्नाटका स्टेट। ये सो मैंने पहली बार मेरे मल्हार कर्नाटका लाया है, और पीछे से कौन हॉर्न मार रहा है। तूफान आया है, एम्बियंस और मल्हार की तो फ्री में धुलाई हो रही है। सो राइट नाउ अभी हम लोग आ गए हैं अंबोली, और यहाँ पे राइट नाउ वी आर एट अंबोली घाट गाइस, एंड इट इज ऑलमोस्ट 5:30 PM इन द मॉर्निंग, सॉरी इवनिंग। वो बॉटल्स के कारण मॉर्निंग निकल गया, सो इधर भी कुछ दिख रहा नहीं है, मॉर्निंग जैसा ही सीन हो रहा है। सुबह भी ऐसे दिख रहा था, शाम को भी ऐसे दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को नहीं जाना गोवा। गाइस ये है अंबोली का वाटरफॉल। तो हम लोग ये देखते देखते आ रहे थे कि किधर है। लास्ट में हम डिसअपॉइंट हो गए, फिर एक आदमी ने बोला कि 1 किलोमीटर आगे है, तो हम लोग ने देख लिया। दो बार ऊपर नीचे किया के लिए सर कि ये वाटरफॉल है कि मुझे तो लगा कि मेरे को चकवा लगा है। तो गाइस अभी मैं जो वाटरफॉल है ना, मैं आपको ठीक से बताता हूं उधर जाकर, बट पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय सब्सक्राइबर। सो अंबोली इधर ऐसे सो अंबोली आकर मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर मिले, सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। माय नेम इज मोइन खान। मोइन खान, माय नेम इज कैलाश पांडेकर। अच्छा, फॉगलाइट का पूरा फायदा लेते हुए। सो गाइस अभी मैं काम करता हूँ, डायरेक्टली आपको होटल पहुँचने के बाद ही मिलता हूँ। गाइस मोर 90 किलोमीटर्स टू गो टू रीच गोवा, सो राइट नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई विल गेट बैक टू यू वंस आई रीच टू माय होटल। बैंड बज गई है इधर, आना गोवा आओगे तो ट्रेन से आना, और अब ड्यूक 390 के पीछे भी मत बैठना, वरना बम का बम्बू हो जाएगा। बट हालत खराब है ना भाई, मैं क्या बताऊँ, मतलब हमें तो फिर भी चला रहा था, अब रास्ते इतने खराब, सीट इतना छोटा था ना, एंड इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल, बिकॉज आप जब बैठते हो ना काफी टाइम तक, तो आपका जो खुद का हड्डी है ना, वो आपके मसल को चुभता है, और इतना दर्दनाक है ना। सो एनीवेज गोवा बहुत सारी हिडन प्लेसेस भी आपको मैं एम्बियंस थ्रू माय व्लॉग्स बताने वाला हूँ, बट फिलहाल के लिए व्लॉग यहाँ पर ही एंड करना पड़ेगा, बिकॉज मैं लिटरली बहुत थक गया हूँ। सो या, और एडिट भी करना है व्लॉग, सो जाते थे लाइक बटन दबा कर कीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो टिल देन आई एम वोस साइनिंग ऑफ फ्रॉम YouTube विद माय फ्रेंड आशीष, व्लॉग वेनम। इन्होंने भी व्लॉग बनाया है, अब वो व्लॉग इनके चैनल पे आने वाला है, व्लॉग वेनम करके है इनका चैनल का नाम। सो जरूर देखना, कब आने वाला है? दो वीक के अंदर। ओ माय गॉड।